यहाँ का अस्पताल कभी खुलता है? कभी नहीं। बुखार आए, सर्दी आए तो कहाँ जाना पड़ता है? बंगाली के। तो लोग बोलते हैं कि वो उसका कोई डिग्री नहीं है, वो तो ऐसे ही करते हैं, तो भी आप लोग जाते हैं तो क्या करें? डॉक्टर नहीं यहाँ पे तो वहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस वक्त सीधी जिला के मुगवारी गांव में खड़ा हूं और इस मोहल्ले में लगभग 15 घर हैं और 15 घर में कम से कम 30 लोगों को पिछले 10 दिन में वायरल फीवर की शिकायत आई है। लोगों का कहना है कि यहां का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही खुलता है और लोगों को इलाज कराने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो क्लिनिक्स हैं वहाँ जाना पड़ता है और यहाँ से शहर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। कई दिन से अपना बुखार बोल रही? 5-6 रोज से। कहीं दिखाया है? कहाँ? सिपुरवा। सिपुरवा में कहाँ? बंगाली की। जी, तो बुखार में क्या 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 लक्षण है? खोखी आवत ही, बुखार आवत ही जी, हाथ बोल गलत बात। तो जी वो यहाँ दिखाने से आराम हुआ? सब लड़का बच्चा बीमार है। एक लड़का रसोड़ वाला हुआ बीमार, औरत बीमार। कहीं दिखाया आपने भी बच्चों को? हम दिखान डॉक्टर से दिखान, ऐसे प्राइवेट डॉक्टर से दिखान को आराम नहीं आए। कहाँ? यह इसी पूर्वा में जी, बंगाली के। तो आगे अब कहाँ ले जाएंगे? अब देखी थी, अब तो पैसा करोगे कहाँ लाई भाई, तो फिर देखी कहाँ कहाँ ले जाइए थे, कहाँ होते। अब पैसा के आधार पर है, गरीब आदमी कहाँ पाई। यहाँ का अस्पताल कभी खुलता है? कभी नहीं जी। तो सिपुरवा में कहाँ जाते हैं? सिपुरवा में बंगाली रहते हैं। यहाँ पे जब बीमार होते हैं तो आपको कितना दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर में कौन बैठता है वहाँ पे? प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं और सरकारी अस्पताल 9 किलोमीटर दूर है, सीधी में है। और बैठता बंगाली, बंगाली बैठता है। जो और ये जो यहाँ पे जो एक सामुदायिक यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। खुला तो था एक, यहाँ पे खुला है तो फिर भी, लेकिन डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं रहता है यहाँ। अब यही कोरोना वाला इंजेक्शन जो आया है यही तो लग रहा है पंचायत भवन में, और क्या। मेरे घर में 3 लोग बीमार हैं, यहाँ बंगाली के यहाँ से पूर्वा दिखाया तो आराम तो मिला, लेकिन अच्छे से आराम नहीं मिला। अब कल या परसों सीधी ले जाएंगे। मुगवारी गांव की आबादी लगभग 400 है और यहाँ के आशा कार्यकर्ता के मुताबिक पिछले 20 दिनों में लगभग 30 से 40 केसेस आ गए हैं। इसमें लोगों ने वायरल फीवर की शिकायत की है। यहाँ से सीधी डिस्ट्रिक्ट की दूरी लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सारे बेड लगभग फुल हैं। लोगों का उपचार यहाँ तक कि ज़मीनों में हो रहा है। सर, पिछले 1 महीने में कितने सारे लोग आपकी क्लिनिक में आना बढ़ गए हैं जो बुखार या उससे रिलेटेड बीमारी से ग्रसित? हाँ, इस समय तो ज़्यादातर केसेस बुखार के ही आ रहे हैं, है ना। और मैं देख रहा हूँ कि वायरस से इन्फेक्टेड है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने कुछ दवाइयाँ हैं। मैं होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, वो मैं प्रेफर करता हूँ, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ये मतलब वायरल फीवर के तो बढ़े हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो जितने बेड हैं उनसे ज़्यादा मतलब मरीज आ रहे हैं, फ्लोर में लग रहे हैं, दवाई हो रहा है, पर अब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। जैसे डेंगू का प्रकोप है तो एक कुछ तो तैयारी चल रही है प्रशासन की दृष्टि से? हमारे लेवल पे बरसात में जो भी जल जमाव जहाँ जहाँ था उन जल जमावों को क्लियर करना और उनमें जो है प्रॉपर डीटीटी के छिड़काव जो के प्रयास हमारे स्टेट में किए जा रहे हैं। यस सर, है ना। जैसे देवगढ़ में अभी 10 दिन पहले अच्छी खासी बारिश हुई थी, पूरे गाँव में जल जमाव की समस्या हो गई थी। 5 फीट के लगभग पानी इकट्ठा हो गया था कई जगहों पे। उसको हम लोगों ने पंपिंग सेट वगैरह लगवा करके उसको बाहर निकलवाया, फिर बाद में वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया और लोगों को जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने जो मच्छरों को मारने की दवाई होती है उसका छिड़काव भी हुआ करोगे। तो ये अपनी ओर से प्रकाशन हमारे राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। बाकी स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेशन से काफी सारी चीजें चल रही है। मच्छरदानियों का वितरण चल रहा है लोगों को गाँव में और जन जागरूकता कैंप्स भी आयोजित किए जा रहे हैं।